2014 में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि भारत में पुनर्जागरण की नई यात्रा के लिए लोगों ने शंखनाद किया तथा मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने अपने 9 सालों की अंथक और अनवरत यात्रा में अनगिनत पड़ावों का सामना करते हुए देश में न सिर्फ व्यापक बदलाव लाया बल्कि उसे हर क्षेत्र में विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाने का भी काम किया। जहां 9 सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई में करीब 59% की वृद्धि संग देश चीन को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बना। वही रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करीब 70 मेगावाट से बढ़कर करीब 170 गीगावाट हो चुकी है तथा 2014 में जहां देश में मात्र 350 स्टार्टअप थे वही आज इनकी संख्या 90,000 से अधिक हो गई है। विकास के कार्य संग सरकार ने नीतिगत सुधार कर बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त करने का काम किया और इसी का परिणाम है कि जहां 2014 से पहले सरकारी बैंक हजारों करोड़ के घाटे और एनपीए के लिए चर्चा में रहते थे तो वही आज बैंकों की रिकॉर्ड मुनाफे के लिए चर्चा हो रही है तथा बीते 9 सालों में 10 लाख करोड़ से अधिक बकाया कर्ज भी वसूला गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के दमदार नेतृत्व में 2014 के बाद भारत जिस नीति व रणनीति को अपनाते हुए चल रहा है उसी का नतीजा है कि इस 21वीं सदी के तीसरे दशक में देश न सिर्फ प्रत्येक क्षेत्र में नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है बल्कि नए भारत का सपना भी साकार होता दिख रहा है।